हरे कृष्णा। विषय है कि भगवद गीता, जो कि 5300 वर्ष पूर्व बोला गया था, आज के हमारे इस मॉडर्न जेट एज लाइफ में क्या महत्व रखता है। तो भगवद गीता की तुलना जैसे एक कार, चाहे बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ हो, बेस्ट मॉडल, बेस्ट फ्यूल, सब कुछ उसमें सर्वोत्तम हो कार में, लेकिन अगर एक स्टीयरिंग व्हील नहीं है कार में, तो क्या बिना स्टीयरिंग व्हील के हमारी BMW की कोई महत्व रह जाती है जीवन में? तो बिना स्टीयरिंग व्हील के कार कितनी भी विशेष क्यों ना हो, वो काम नहीं आएगी। उसी तरह से हम हमारे जीवन में वेल्थ, एजुकेशन, फेम, प्रेस्टीज, रेपुटेशन, पावर, स्किल्स, सब चीज़ों को अर्जित करते हों, लेकिन एक स्टीयरिंग व्हील, यानी कि किस दिशा में इस मनुष्य के जीवन को लेकर जाना है, इस मनुष्य के जीवन की उपयोगिता क्या है, क्योंकि हर वस्तु को किसी न किसी पर्पस के साथ बनाया गया है। आप एक छोटी सी छोटी वस्तु भी अपने जीवन में देखेंगे तो उसके पीछे कोई पर्पस है, कोई उद्देश्य है। मोबाइल फ़ोन बनाया गया है तो कोई उद्देश्य के साथ बनाया गया है, कोई घर बनाया गया है, कार बनाई गई है, लैपटॉप बनाया गया है, एक उद्देश्य के साथ बनाया गया है। एक नीडल भी बनाई गई है तो एक उद्देश्य के साथ बनाई गई है। तो हर वस्तु का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो मनुष्य का जीवन भी कोई बाय चांस का जन्म नहीं है, ये भी एक उद्देश्य के साथ बनाया गया है। इसीलिए आप देखेंगे 84 लाख योनियों में हर योनि की कुछ ना कुछ विशेषता रहती है। कंगारू की कुछ विशेषता है, हाथी की कुछ विशेषता है, पक्षी की कुछ विशेषता है, मछली की कुछ विशेषता है। तो मनुष्य के जीवन की विशेषता ना तो उसके खाने में, ना तो उसके सोने में, ना तो उसे संतान उत्पन्न करने में, ना तो उसको अपनी खुद की रक्षा करने में, क्योंकि कई पशु उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो उसकी विशेषता है उसकी श्रेष्ठ बुद्धि में। और जो उसको दी गई है इस दिखने वाले जीवन के से परे जीवन की वास्तविकता को जानने के लिए। तो अब इस उद्देश्य से मनुष्य का जीवन बनाया गया, और हम सब इस संसार की रैट रेस में सुबह से शाम भागते रहे। अब जीत भी गए रैट रेस में तो कहलाएंगे तो चूहे ही। तो इसीलिए भगवद गीता हमारे जीवन की वो मार्ग निर्देशिका है। जैसे कभी आप कोई मशीन खरीद के लाते हैं तो मशीन के साथ आपको एक मैनुअल मिलता है। अब वो मैनुअल आपको बताता है कि उस मशीन को कैसे उपयोग करना है, उसके साथ क्या नहीं करना है, और साथ में मैनुअल हमको ये भी बताता है कितने दिन तक उस मशीन का गारंटी या वारंटी भी चलेगा। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी एक मशीन की तरह है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं यंत्रा, ये एक यंत्र की तरह है, मशीन की तरह है। अब इस मशीन का जो मैनुअल है वो ये बताए कि इस मनुष्य के जीवन का कैसे उपयोग करना है, वो है वैदिक शास्त्र, और उनका सार है भगवद गीता। तो सारे वेदों के सार के रूप में भगवद गीता को प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि हमारी जो आयु है इस मनुष्य के जीवन की 100 वर्ष तो बताई गई है, लेकिन अभी 100 वर्ष भी नहीं रह गई, 60, 70, 80 वर्ष मुश्किल से कोई जी पाता है। इतनी छोटी सी आयु में हम स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, जीवन के 15-20 साल बिता देते हैं, फिर अपने करियर को सेटल करने में 15-20 साल बिता देते हैं, और फिर अनेक प्रकार के कार्यों को अपने जीवन में करते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं, तो जीवन मनुष्य का बहुत छोटा रह जाता है। वास्तव में जब हम अपने लिए समय निकालते हैं तो बहुत ही कम रह जाता है, और उसके अंदर हमें सारे शास्त्रों का सार भगवद गीता के रूप में प्रदान किया गया है। तो कई बड़े बड़े वैज्ञानिक, कई बड़े बड़े साहित्यकार, कई बड़े बड़े एकेडमिशियंस, हिस्टोरियंस, जो कि सिर्फ भारतीय देश के नहीं हैं, भारत मूल के नहीं हैं, अमेरिका, यूरोप, अनेक संस्कृति से आए हैं, वो लोग भी भगवद गीता की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं जीवन के हर क्यों का उत्तर इस भगवद गीता शास्त्र में दिया गया है। तो भगवद गीता कोई धर्म की किताब नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल मैनुअल है, ये एक जीवन शैली हमको सिखाती है। इसीलिए धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म का मतलब ऐसा गुण जिससे, जो उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता।
चीनी का धर्म है मिठास देना, तो मिठास चीनी से अलग नहीं की जा सकती। अग्नि का धर्म है ऊष्मा देना, तो ऊष्मा को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। जल का धर्म है तरलता, तो तरलता को जल से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से हम सब आत्मा हैं जो कि इस शरीर के स्वामी हैं, तो वो आत्मा का धर्म क्या है, वो है भगवान की सेवा करना, वो उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए भगवद गीता कोई धर्म की किताब नहीं है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य बताने की किताब है, ये हमको जीवन शैली देने की किताब है। तो इसीलिए पूरी मानव जाति को इस भगवद गीता को प्रदान किया गया है उनको दिशा निर्देश देने के लिए। और भगवान कृष्ण ने ये जो संवाद अर्जुन को 5300 साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दिया, तो आज हर व्यक्ति तनाव का जीवन जीता है लेकिन ये नहीं जानता तनावों से मुक्ति कैसे पाई जाए। अब आप देखिए, अर्जुन सबसे ज़्यादा तनाव में थे और सबसे ज़्यादा तनाव के वातावरण के अंदर अर्जुन को ये भगवद गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने दिया। एक युद्ध भूमि में सबसे ज़्यादा तनाव रहता है, तो तनाव के मध्य में भगवान ने अर्जुन को ये गीता का संदेश तो प्रदान किया। तो अब आप देखिए कि अर्जुन ने जब गीता सुनने से पूर्व अर्जुन की स्थिति क्या थी, अर्जुन कह रहे थे कि मैं युद्ध से पलायन करना चाहता हूँ, युद्ध को छोड़ के चला जाना चाहता हूँ, युद्ध का सामना नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने अपना प्रसिद्ध धनुष गांडीव, जिसका प्रण लिया था कि कभी कंधे से नीचे नहीं उतारेंगे, उसको उतार के नीचे रख दिया। 64 करोड़ योद्धा इस महाभारत के युद्ध भूमि में खड़े थे, और ये कोई प्राइवेट डिस्कशन नहीं है कि जो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ किसी कमरे में बैठ के केबिन में बैठ के कर रहे थे, ये 64 करोड़ योद्धाओं के बीच में हो रही थी। और अर्जुन शर्मा नहीं रहे थे इस बात के लिए, वो अपने अस्त्र शस्त्र को नीचे रख कर बैठ गए और कहने लगे, ना यो तस्य, हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं, इससे अच्छा है मैं जंगल चला जाऊं, इससे अच्छा है मैं भीख मांग के खा लूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा विचार अर्जुन ने कृष्ण के सामने प्रस्तुत किया, विचार ही नहीं प्रस्तुत किया, अनेक प्रकार के तर्क कृष्ण को दिए अर्जुन ने कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये अधर्म है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा पाप लगेगा, मेरे सारे परिवार के लोग मारे जाएंगे, जिन्होंने मुझे पाला, जिन्होंने मुझे प्रेम दिया, मैं उन्हीं की हत्या का कारण बनूंगा, तो कैसे मैं इस राज्य को भोगूंगा। अनेक प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए, ये अर्जुन की मनस्थिति थी, वो पूरी तरह से कंफ्यूज थे। अर्जुन रो रहे थे गीता के आरंभ में, इसीलिए गीता का सबसे पहला अध्याय जो है उसको कहा गया विषाद योग, अर्जुन का रोना, विषाद करना, लैमेंट करना। तो अर्जुन विलाप कर रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और गीता के अंत में अर्जुन कहते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्धा, कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति दोबारा प्राप्त हो गई है। हे कृष्ण करिष्ये वचनम त्वा, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। तो अर्जुन ने युद्ध इसलिए नहीं किया कि अर्जुन चाहते थे युद्ध करना, अर्जुन ने युद्ध इसलिए किया क्योंकि कृष्ण चाहते थे धर्म की स्थापना की जाए, और अर्जुन को माध्यम बना के भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से इस धर्म की स्थापना को स्थापित किया। तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि वो अर्जुन जो इतने तनाव में थे, विषाद कर रहे थे गीता सुनने से पहले और गीता सुनने के बाद, अर्जुन की मनस्थिति निर्मल हो गई थी, वो शांत हो गए थे और अपने कर्तव्य को कर रहे थे, अपनी भावनाओं को प्राथमिकता ना देते हुए अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दे रहे थे। तो भगवद गीता हमें हमारी ड्यूटीज करना सिखाता है। लोग कहते हैं कि धर्म का मतलब है जो धर्मवादी हो गया, जो अध्यात्मवादी हो गया, जो गीता का पालन करने वाला हो गया, जो भक्त हो गया, वो पलायनवादी हो गया, वो एस्केपिस्ट हो गया, वो अपने कर्तव्यों से बचकर भाग रहा है, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है। लेकिन वास्तव में भगवद गीता को जो जानता है, जो समझता है, जो इसका पालन करता है, वो अपने जीवन में पूर्णता को पालन करता है। वो अपने जीवन में चाहे वो एक सिटीजन होगा तो उसमें भी वो परफेक्ट होगा, क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज को समझता है। तो भगवद गीता हमें हमारा कर्तव्य समझाती है, हमें हमारी ड्यूटी समझाती है। आज पूरा संसार अधिकार की बात करता है लेकिन कर्तव्य की बात नहीं करता, लेकिन वैदिक शास्त्र अधिकारों की बात ना देकर हमको कर्तव्य करना सिखाते हैं। इसीलिए अर्जुन को माध्यम बना के भगवान कृष्ण ने कर्तव्य परायणता सिखाई, और भगवान चाहते हैं हम भी हमारा कर्तव्य करें, और हमारा सबसे पहला कर्तव्य भगवान के लिए है, और वो हम हरे कृष्ण महामंत्र के जप से और इस भगवद गीता के अध्ययन और श्रवण के माध्यम से करते हैं। तो आज 5300 साल के बावजूद
ये भगवद गीता हम सब की आवश्यकता है और इसे रोज पढ़ा जाना चाहिए और इसे उचित मार्गदर्शन में सीखना चाहिए, क्योंकि ये एक विज्ञान है। जब आप छोटी से छोटी कला को भी सीखने जाते हैं, हारमोनियम बजाना, गिटार बजाना, तो किसी टीचर के पास जाते हैं, तो भगवद गीता के विज्ञान को सीखने के लिए भी हमें ऐसे लोग चाहिए जो इसका पालन अपने जीवन में करते हों। क्योंकि आध्यात्मिक विषय और भौतिक विषयों के अध्यापक में एक बड़ा अंतर है। भौतिक विषय के अध्यापक के पास जब आप जाएंगे तो आप उसके चरित्र को कभी नहीं देखते। अगर आप अपने बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हैं, आप ये नहीं देखते कि वो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, मांस खाता है, वो क्या करता है। आप ये देखते हैं कि वो अपने विषय को कितने अच्छे से जानता है। लेकिन जब आप आध्यात्मिक विषय को सीखने के लिए आते हैं तो इसमें अध्यापक का, शिक्षक का जो व्यक्तिगत चरित्र है वो बहुत ज़्यादा इसमें महत्व रखता है। तो जिसका व्यक्तिगत चरित्र ठीक नहीं है वो अध्यात्म को प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसीलिए भगवद गीता का मतलब है, कृष्ण कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ, अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है इसको, और तभी भगवान का कोई संदेश वाहक बन सकता है, इस मैसेज को प्रदान करने वाला बन सकता है। तो इसीलिए भगवद गीता एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विज्ञान है, ये कोई मिथोलॉजी नहीं है। ये आप आज देखें, कुरुक्षेत्र आज भी है भारत देश में, जो भगवद गीता के 5300 साल पहले बोले गए, गीता के पहले श्लोक में कहा गया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वो कुरुक्षेत्र आज भी है। आप ब्रिटिश गैजेट रिकॉर्ड्स को भी उठाकर देखेंगे तो कुरुक्षेत्र वहां भी नजर आता है लिखा हुआ। ये कोई गीता को सहयोग करने के लिए नहीं दिया गया, तो वो कुरुक्षेत्र की भूमि पर यह युद्ध हुआ और वहां पर यह भगवद गीता प्रस्तुत की गई। ये इतिहास है, ये कोई कल्पना नहीं है। हमारा आधुनिक इतिहास तो 2500 साल पहले से पहले जाता ही नहीं है, लेकिन 5300 साल पहले ये घटना इस भारत देश में हुई कि भगवान ने यह संदेश अर्जुन के माध्यम से दिया, और ये हम सबके लाभ के लिए दिया गया, अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन को माध्यम बनाया गया हम तक देने के लिए। तो जो भी व्यक्ति इसका आश्रय लेगा वो कभी दुखी नहीं रह सकता, और जो वास्तव में ये सोचता है कि मुझे दुखी ही रहना है, ऐसा व्यक्ति इस गीता ग्रंथ का आश्रय नहीं लेता। तो ये गीता कोई सेक्टेरियन नहीं है, ये कोई एक वर्ग या एक जाति लोगों का नहीं है, ये पूरी मानव जाति का धर्म है। जैसे सूर्य की किरणें पूरे विश्व भर के लोगों के लिए हैं, वैसे गीता की शिक्षाएं पूरी मानव जाति के लिए हैं, और ये संदेश हमें गीता के माध्यम से मिलता है। हरे कृष्णा।